हाय गाइस, वेलकम अगेन टू अवर यूट्यूब चैनल। सो थानू पता है कि असी लास्ट लैक्चर के संभावना प्रोबेबिलिटी चैप्टर करिया सी। अज असी इस सीरीज़ नू कंटिन्यू रखांगे अते हीरो दा सूत्र या हीरो फॉर्मूला चैप्टर करांगे। सो रिक्वेस्ट है वीडियो नू एंड तक जरूर देखियो, एंड जो स्टूडेंट्स इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं इस चैनल नू सबसक्राइब कर लैन अते नाल ही बैल आइकन नू भी प्रेस कर लैन, क्योंकि इस चैनल पर थानू इस तरह ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का सिलेबस बहुत ही सिंपल वे तैयार करवाया जाता है। तो मैं तुम्हें दसना चाहना कि यह चैप्टर जो है बहुत सिंपल है, छोटा है। जेकर तुम वीडियो एंड तक देख लेंगे हो तो थोड़ा एक नंबर पक्का हो जाता है, क्योंकि इस चैप्टर के एक या दो मार्क्स का काम जरूर आएगा। तो शुरू करते हैं आपां हीरो का सूत्र। तो सब तो पहले थोड़ा मैं दसना चाहता कि ये जो लिखा हुआ है यही है अपना हीरो का सूत्र है। तो यह किस लिए है? त्रिभुज का खेत्रफल पता करने लिए। त्रिभुज का खेत्रफल पता करने लिए हीरो का सूत्र तैयार किया गया है। तो थोनों मैं दसना इसका प्रोसीजर की होगा। तो सब तो पहला अपन ये पता होना चाहिए कि जोड़ा एस है, एस टर्म का मतलब की है। एस टर्म का मतलब है अपन तीन भुजावं दीतिया हो बी सी, ए बी सी अपन भुजावं दीतिया गई होनगियां त्रिभुज दियाँ। तो आप एस का किमें वैल्यू निकालनी है? एस ये है जी ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाय टू। तो दो नाल भाग करना है ए प्लस बी प्लस सी, लिख के इनू दो नाल भाग कर देना है। तो वह अपने को एस की वैल्यू आ जाएगी। उस तो बाद की काम है अपना, ए अपन पता होगा, बी पता होगा, सी पता होगा। तो इस फॉर्मूले के पूरी वैल्यू नू रख देना है तो अपने को आ जाएगा खेत्रफल आ जाएगा। बिल्कुल सिंपल चैप्टर है, ये सिर्फ वैल्यू फिल करनी है, और कुछ नहीं करना। तो मैं तुम दस दिना क्वेश्चन किदां दे बन सकते हैं। सब तो पहला है जी भुजावां दित्तियां ने तीन, आपां नूं देख सकते हो तुसीं। तां उन्हां कहा त्रिभुज का खेत्रफल की होगा, तो ऑप्शन दित्तियां हुई ने। तो आप सब तो पहले देखांगे कि एस नूं किवें फाइंड करना है। तो तुसीं देख सकते हो भुजा अपने कोल ए सी बी एंड सी, आपां उदां ही फिल करता ए बी एंड सी। तो दो नाल भाग कर दिता गया है, देख सकते हो तुसीं। तो इसका जो जोड़ किया गया ये 96 बना सी, तो दो नाल भाग किया तो आ गया 48। तो ये जो अपने को 48 मीटर इसका एस की वैल्यू आ चुकी है। हूँ अपना की काम है एस माइनस ए, एस माइनस बी, तो एस माइनस सी फाइंड करना। तो आपको पता एस की वैल्यू कितनी है 48। तो आप एस माइनस ए किवें फाइंड करांगे? जो एस की वैल्यू है वह 48 है, तो ए की वैल्यू कितनी है 40। तो आप इस माइनस करांगे जदों तो अपने को 8 आ जाएगा, अपने को सॉरी एस माइनस ए की वैल्यू आ जाएगी। इस तरह ही आप एस माइनस बी की वैल्यू निकाली हुई है, देख सकते हो तुसी। अते ए माइनस सॉरी एस माइनस सी इदा ही फाइंड हो जाएगा। तो ये जी वैल्यू ने इन्हों आप फॉर्मूले फिल करांगे तो अपने को आंसर आ जाएगा। तो तुसी ये देख सकते हो कि एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी किदा फाइंड किया गया है। सिंपल जहा एस की वैल्यू लिखी गई है, तो ए बी सी इन्हों माइनस किया गया, तो अपने को वैल्यू आ चुकिया ने। तो उस तो बाद की है अपने को 48, अपन पता एस की वैल्यू आई सी। एस माइनस ए की है 8 है, एस माइनस बी 24, एस माइनस सी 16। तो इन्हों मल्टीप्लाई करना है, तो तुम देख सकते हो जो इस मल्टीप्लाई करांगे तो इसका जोड़ा वर्गमूल है वह कि बनेगा 374 बनेगा। तो यह मैं थोड़ा दसना चाहता, तुम अपनी ऑप्शन जो दिखाई जा उस चेक कर सकते हो। जेकर इन्ना व्डा आंसर आ सकता है तो तुम उन्होंने मल्टीप्लाई या उन्होंने रूट फाइंड करके देख सकते हो कि ए वाला जो आंसर है वो किहड़ी ऑप्शन का बन रहा है। तो अपना राइट आंसर की रहेगा, फस्ट ऑप्शन अपना राइट आंसर रहेगा। तो नैक्सट क्वेश्चन अपने को होगा वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन, यह है जी एक त्रिभुज का खेत्रफल पता करो जिस दियाँ दो भुजावं 8 सेंटीमीटर 11 सेंटीमीटर हैं। परिमाप अपन दिता गया है, तो आपको पता है कि जो भुजावं ने उन्हों का की मतलब होंगे तो परिमाप का की मतलब होंगे। तो यह अपन दिता गया है सी की वैल्यू अपन नहीं दी गई। तो यह अपन पता है जो इन्हों प्लस कर दें तो अपने को आता परिमाप आता है। भुजावं जो सारियां प्लस कर दें अपने को परिमाप आता है। तो इस तरह आप देखते हैं अपने को ए दिता है, बी दिता है, सी नहीं दिता होया, परिमाप दिता होया। तो आप सी की वैल्यू किवें फाइंड करांगे? क्योंकि आपको सी चाहिए है। तो देख सकते हो तुसी परिमाप का मतलब हुंदा है 8 प्लस 11 प्लस
सी सी की वैल्यू आपां नूं नहीं दित्ती गई, मतलब तिन्ने भुजावां दा जोड़ बराबर परिमाप हुंदा है। तां आपां जदों 8 ते 11 नूं प्लस करांगे तां आपणे कोल 19 बन जाएगा। सी आपां उदां ही रखांगे ते 32 आपणे कोल परिमाप दित्ता होया सी। नैक्सट स्टैप च आपां की कीता, सी उदां रखिआ ते 19 नूं इधर जाके माइनस करता तां आपणे कोल सी की वैल्यू किन्नी आ गई है जी, 13 आ गई है। देख सकते हो तुसीं सी की वैल्यू अपने कोल आ चुकी है। इस तो बाद अपना की काम हुंदा है, आपां एस की वैल्यू निकालनी है। उस तो बाद एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। तो एस की वैल्यू किवें आती है आपां नूं पता है, तिन्ने भुजावां नूं प्लस करके 2 नाल भाग कर देना है। इस तों अलावा आपां नूं पता है परिमाप भी उही चीज़ दित्ती हुई है, 32 ही दिता है। 32 नूं 2 नाल भाग करांगे तो अपने कोल 16 आ जाएगा। एस की वैल्यू किन्नी आ गई जी, 16 आ गई है। तो इस तरह आपां देखते हैं एस माइनस ए किवें। एस माइनस ए जदों आपां 16 दे विच्चों 8 नूं माइनस करांगे क्योंकि ए अपने कोल 8 दिता होया सी। एस माइनस बी जो 16 दे विच्चों 11 माइनस करांगे क्योंकि 11 अपने कोल बी दिता होया है। तो एस माइनस सी, इसका मतलब की होगा कि 16 दे विच्चों 13 नूं माइनस करना है। 13 आपां वैल्यू निकाली है सी की, तो ये अपने कोल जिहड़ियां ने वैल्यूज़ आ जाणगियां। उस तों बाद आपां की करना है, सिंपल फॉर्मूले दे विच फिल करना है। तुसीं देख सकते हो अपने कोल एस की वैल्यू किन्नी आई सी, 16 आई सी। एस माइनस ए की आई सी 8, एस माइनस बी की आई सी 5, एस माइनस सी की आई सी 3। तो ये आप वैल्यू फिल कीतिया ने। उस तो बाद की करना, आप इन्हां नूं मल्टीप्लाई कर देना है। सारे मल्टीप्लाई करके उस तो बाद आप आंसर देखना है, जो अपनी ऑप्शन दे विच राइट लगेगा आपां नूं आपां उह टिक करना है। उस तो बाद तुसीं एक वारी दा जिहड़ा रूट है, वर्गमूल है, वह जरूर निकाल लेना है। तो आपां नूं जिहड़ियां एग्जाम दे विच टर्म्स दित्तियां गईआं होणगीआं वह बिल्कुल सिंपल होणगीआं, जिन्हां दा रूट या वर्गमूल बहुत जल्दी निकल जाएगा, इसलिए तुसीं इह कन्फ्यूज़ नहीं होना। तो यह सी अपना अज का लैक्चर, इस विच जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है उही तुहानूं कराया है। तो यह वाला सब तो इंपोर्टेंट क्वेश्चन होगा, ये तुसीं जरूर कर लेना है। सिर्फ अपने कोल टर्म चेंज होणगीआं तो इदां दा क्वेश्चन अपन एग्जाम दे विच मिल सकता है, क्योंकि टाइमिंग दे हिसाब नाल अपन छोटे क्वेश्चन ही मिलणगे। तो यह सी अपना हीरो दा सूत्र। तो इस तों अलावा आपां नैक्सट चैप्टर करांगे अगले लैक्चर दे विच। तो मिलते हाँ नैक्सट वीडियो दे विच। थैंक यू।